Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So बच्चों आज हम क्या लेने वाले हैं, आज हम लेने वाले हैं कार्डोबा के एडिशन से माई वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज. बुक का नाम ये है और क्लास 5 की किताब है. हम लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 1 और 2 लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ और उनके इफेक्ट क्या होंगे, देयर इफेक्ट. ठीक है, तो अर्थ जब घूमती है, ठीक है, तो वो कैसे कैसे घूमती है और क्या उसके इफेक्ट यानी क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, ये पूरा हम इस चैप्टर में आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. मैं हर लाइन की हिंदी आपको अच्छे से समझाऊंगी जिससे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए. तो चलो शुरू करते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन. बाई वी हैव ऑलरेडी लर्न यानी कि हमने ऑलरेडी ये बात सीखी हुई है दैट द अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है लाइक ऑल द प्लैनेट्स बाकी सारे ग्रहों की तरह ऑफ द सोलर सिस्टम जो कि ग्रह किसके हैं, सोलर सिस्टम के हैं, मूव करती है अराउंड द सन. जैसे कि सन जो होता है वो बीच में होता है, सन के किनारे किनारे ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ये चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगा रही है. द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स इन द सेम वे. अर्थ भी इसी तरह स्पिन कर रही है, सेम वे में ऐसे ही चक्कर गोल गोल घूम रही है. ठीक है, नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन. अब आपको ग्लोब को दोबारा देखना है. भाई देख लीजिए, आपके बगल में ग्लोब है यहाँ पर बना हुआ, आपको देखना है. नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन, यू विल नोटिस. आप नोटिस करेंगे दैट द ग्लोब इज टिल्टेड एट अ पर्टिकुलर एंगल. ये ग्लोब जो है वो टिल्टेड है यानी कि थोड़ा आप देख रहे हो ऐसे टेढ़ी लाइन है ये. ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है ये. ठीक है, एक एंगल की तरफ ये झुका हुआ है. लाइक जस्ट लाइक द ग्लोब, जैसे कि ग्लोब है, द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड. जो हमारी पृथ्वी है, जी हाँ, वो भी कैसी है, थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है. नाउ इमेजिन अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब आपको इमेजिन करना है, सिर्फ कल्पना करनी है, अ लाइन ड्रॉन, जो कि लाइन एक ड्रॉ हुई हो थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो बीच में से जा रही है, अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर रही है द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स को. ठीक है, ये देखो, ये जो है हमारा, ये जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये देखो इस तरह से. ठीक है, आप आ जाएगा. द इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ. पहली बात वर्ड ध्यान रखना, इमेजिनरी यानी कि रियल में ऐसी कोई लाइन धरती पर बनी हुई नहीं है. ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है. आप इमेजिन क्यों किया जाता है, नहीं तो प्लेसेस नहीं पता चलेंगे भाई कौन सी जगह कहाँ पर है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस बहुत ड्रॉ की जाती हैं. अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको समझाया था, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, सब कुछ मैंने उसमें समझाया था आपको. आप आ जाओ यहाँ, इमेजिनरी लाइन जो होती है ये होती है हमारी एक्सिस ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये एक्सिस है. ठीक है, अब ये अपने एक्सिस पर घूम रही है. द एक्सिस क्या हो रहा है, टिल्टेड है एट द एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री पर, 65 डिग्री पर ये जो है वो झुका हुआ है एट द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो डायरेक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ स्पिन्स करके आ जाएगा फ्रॉम डैश टू डैश, तो ये जो है वो अपने एक्सिस पर किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो वेस्ट से ईस्ट की दिशा पे ये घूमती है. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स मूवमेंट. तो चलो कुछ और पता लगाते हैं इसके मूवमेंट्स के बारे में. द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर, दो मूवमेंट अर्थ के कौन कौन से, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. आप आ जाओ, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको फोटो में दिखा रखा था. अब यहाँ पर पढ़ते हैं रोटेशन से क्या होता है. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. थोड़ा सा पिक्चर बना के समझाती हूँ तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा. जैसे कि सूरज है, ठीक है, ये तो सूरज है, इसी को ले लेते हैं चलो. ठीक है, ये सूरज है हमारा. ठीक है, अब ये जो है ये ऑर्बिट है, एक रास्ता है ऐसे समझो. इस रास्ते पर ये जो पृथ्वी है ये यहाँ अपने ऑर्बिट पर ऐसे 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 से घूम रही है. ठीक है, समझ रहे हो. अब ये घूमते घूमते पहले अपने अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन. अब ये ऐसे घूमते घूमते इस पूरे रास्ते को ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते घूमते कवर कर रही है, यानी कि ऑर्बिट को पूरा कवर कर रही है, रास्ते को कवर कर रही है. ये क्या, ये रेवोल्यूशन है. ये सूरज के चक्कर भी लगा रही है, यानी कि अपने ऑर्बिट पर, मतलब अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और क्या कर रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है. घूमते 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 सूरज का चक्कर लगा रही है. अब यहीं पर समझ लेना, फिर आगे भी तुम्हारा समझाऊंगी कि ये जो ऐसे से सिर्फ अपने एक्सिस पे घूम रही है, इससे होते हैं दिन रात.
ठीक है, 24 घंटे में इसका ये एक गोल चक्कर अपने स्पिन पे कंप्लीट होता है। इसके बाद ये पूरा जो चक्कर लगा रही है ऐसे घूमते घूमते, पूरा जो ऑर्बिट पे पूरा चक्कर लगा रही है ये इस तरह से सूरज का जो है ये कवर कर रही है, ठीक है, पूरा का पूरा सूरज की इर्द गिर्द जो पूरा चक्कर लगा रही है। इसमें लगते हैं पूरे 365 दिन, ये होता है सूरज का चक्कर लगाना, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, राइट। आप आगे पढ़ोगे तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर इसका घूमना रोटेशन कहलाता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी अपने ये जो स्पिन ये दिख रहा है ये इस पर, इसी पर ये पूरा का पूरा ऐसे गोल गोल घूमना एक चक्कर लगाने में इसको 24 घंटे लगते हैं अर्थ को, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन क्या होता है, मतलब जब ये अपने एक्सेस पर घूम रही है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, दिन रात होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इस वाले रोटेशन से क्या होता है, अपने एक्सेस पर घूमने से दिन रात होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट करती है ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेस करता है सन को, जब वो घूमेगी तो सन वाले पार्ट जो आएगा जो सन की तरफ आएगा वहाँ पे दिन होगा, तो दूसरा वाला पार्ट होगा वहाँ पे रात होगी। तभी तो धरती पर ऐसा होता है ना कि मान लो हमारे यहाँ दिन हो रहा है तो अमेरिका की साइड में आप देखो तो फिर वहाँ पे आवर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, दिन और रात का डिफरेंस भी हो जाता है कई बार। तो वाइल द अब अदर पार्ट रिमेन्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द सन, तो भाई एक भाग जो है सूरज के सामने रहेगा तो दूसरा भाग जो है वो अवे हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। जो भाग सूरज के सामने रहेगा, द पार्ट दैट फेस इज द सन रिसीव करता है वो सनलाइट, यानी कि उससे सन की रोशनी मिलेगी, एंड हैज डे, वहाँ पर दिन हो जाता है। देखो ये ऐसे जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर सूरज है, अब ये मान लो यहाँ पर ऐसे गोल घूम रही है तो घूमते घूमते ये वाला पार्ट जो है वो सूरज के सामने, तो यहाँ पर दिन होगा, लेकिन आधा पार्ट तो सूरज के सामने नहीं है तो यहाँ पर रात होगी। जब उसके बाद दोबारा घूमेगा तो दूसरे वाले पार्ट पर दिन हो जाएगा, और जिस पे दिन था उस पे रात हो जाएगी, ठीक है। वाइल द अदर पार्ट इन द डार्कनेस हैज द नाइट, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि आप जानते हो भाई अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट तक, द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, इसीलिए हमें सूरज क्या लगता है जैसे वो ईस्ट से निकल रहा हो। कभी सूरज निकलता नहीं है, सूरज अपनी ही जगह पर होता है, धरती घूम रही होती है, ठीक है, सूरज कहीं नहीं जाता, सूरज वहीं होता है। दिस इज द रीजन वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट्स एक्सपोज टू द सन फर्स्ट, इसी वजह से क्या होता है जो भी जगहें होती हैं, दिस इज़ द रीज़न, ये जगह है, द प्लेसेज इन द ईस्ट, जो भी ईस्ट की तरफ के प्लेसेज होते हैं उनको सूरज की रोशनी पहले मिल जाती है, ठीक है। हैंस द टाइम इज अहेड ऑफ द टाइम इन द प्लेसेज इन द वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ लोग होंगे तो ईस्ट की तरफ वालों से उनका टाइम डिफरेंस रहता है, हमेशा जो ईस्ट वाले हैं वो आगे रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ यू मे हैव योर फ्रेंड्स, some of your you may have friends, अच्छा हाँ ये ऑफ यू होगा, some of you may have friends or relatives in other countries, भाई हो सकता है आपके दोस्त आपके जो रिश्तेदार हैं वो दूसरे countries में हों। एंड found it was a night there while it was a day time in India, ऐसा बहुत बार होता है ना विदेशों में आपके friends वगैरह होते हैं तो क्या होता है यहाँ दिन हो रहा होगा वहाँ उनसे फ़ोन करो तो बोलेंगे रात हो रही है, तो दिन और रात का डिफरेंस भी तो इसलिए होता है क्योंकि धरती घूम रही है, तो जो भाग सूरज के सामने है वहाँ पर दिन होगा, जो भाग जो पीछे की तरफ हो गया वहाँ पे रात होगी। आप आ जाओ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, नाउ यू नो हाउ दिस हैपन, सब समझ आ गया ना पूरा आपको, अब रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सिक्स्थ में भी बहुत काम आएंगे चैप्टर, जो इस बुक के चैप्टर है ना, ऐसे समझो कि सिक्स क्लास की एनसीईआरटी आप अभी पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। When rotating on its tilted axis, अगर आप rotating मतलब घूमना अपने tilted axis पे, the earth जो है also move करती है around the sun on a fixed path, मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ठीक है। तो अर्थ जो है वो सूरज का भी चक्कर लगाती रहती है एक fixed path पर, यानी कि अपने orbit पर, इस fixed path को, इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, orbit बोलते हैं। अर्थ कंप्लीट करती है, द अर्थ कंप्लीट सो वन रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डेज में, 365 दिन का एक साल होता है। अब इसमें 1/4 डे और लगता है इसको एक चक्कर लगाने में, लेकिन हम 1/4 डे को क्या करते हैं हर बार गिनते नहीं हैं, चार साल में एक दिन बन जाएगा भाई, चौथाई दिन एक बार में, चौथाई दिन अगली बार का, तो आधा दिन हो गया, फिर चौथाई दिन आधा दिन और हो गया, तो चार साल में जाके एक साल कंप्लीट हो गया। इसीलिए लीप ईयर में क्या होता है 29 डेज होते हैं, वो चौथे साल में जाके हम ऐड कर देते हैं पूरा एक दिन, ठीक है। तो हम ऐसे साल जो होता है वो कितना टाइम का लेते हैं, जब हम कैलेंडर देखते हैं तो 365 डेज को देखते हैं एक साल में, 365 365 365 एंड देन 300, जो चौथा साल आ जाएगा वो हो जाएगा 366 का, समझ आया। ऐसे ही ये चलता रहता है। अब कैसे 365, क्योंकि उसको 365 और चौथाई दिन और लगता है, वो चौथाई दिन हमने ऐड नहीं किया होता हर साल, चार साल में उसे एक ही बार ऐड करते हैं। तो अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डेज, वी
have only 365 days on our calendar. The 1/4 day of every year जो था is added to make an extra day. इससे क्या होता है, एक extra day बन जाता है. This extra day is added every fourth year, हर चौथे साल में, to the month of February. तभी तो February जो होती है वो leap year में 29 days की हो जाती है, उसे leap year बोलते हैं. Hence February has 29 days every fourth year instead of 28 days. ठीक है, हर चौथे साल में 28 की जगह 29 दिन की फरवरी होती है. अ ईयर विद 366 डेज इज नोन एज लीप ईयर. तो जिस साल में 366 डेज होंगे वो लीप ईयर होगा. द ईयर 2060 इज अ लीप ईयर, वो लीप ईयर है. कैलकुलेट एंड टेल व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर विल गो. चौथे साल बाद, चार साल बाद हो जाएगा 2020 में. ठीक है, लीप ईयर होगा. तो मतलब इस साल था, मैं 2020 में मना रही हूँ, तो लीप ईयर था इस साल. ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो मूव अराउंड द सन. ये जितने भी जो सोलर सिस्टम है हमारा पूरा का पूरा है, वो कह रहे हैं ऑल द अदर प्लैनेट्स पार्ट्स नहीं सॉरी प्लैनेट्स जितने भी प्लैनेट हैं, ये लगे हुए हैं सूरज का चक्कर लगाने में इन देयर ओन ऑर्बिट. इन अपने अपने रास्ते बने हुए हैं इनके, और ये सब जो है अपने अपने रास्ते पर जो है वो चक्कर लगा रहे हैं. दिस टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. आप ध्यान रखो, ध्यान से सुनना इस बात को. द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन, जो समय लगता है, जैसे हमें 365 दिन लगते हैं पृथ्वीवासियों को, मंगल वाले, जो मंगल वाले तो नहीं है, वाले तो है ही नहीं वहाँ पे, मंगल ग्रह हो गया या बृहस्पति ग्रह हो गया, माने अलग अलग जो भी हैं ग्रह, ये भी सब लगे हैं चक्कर लगाने में. अब जब ये चक्कर लगा रहे हैं तो इन सबको ना 365 दिन नहीं लग रहे, इनको अलग टाइम लग रहा है, हमको अलग टाइम लग रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी सन से दूरी अलग है, इनकी सन से दूरी अलग है. तो सन से जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से जो टाइम है वो निश्चित होता है कि भाई कौन कितना दिन में सूरज का चक्कर लगाएगा. डू यू नो दैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. क्या आपको ये पता है कि मून भी जो है वो अर्थ का चक्कर लगाती है? जी हाँ. कैसे? आप समझो, पिक्चर देखोगे ज़्यादा समझ पाएगा. ये सूरज है, ये समझो कि ये पृथ्वी है. अब पृथ्वी तो गोल 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 सूरज के चक्कर लगाती है, यहाँ घूमते घूमते ऐसे 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 घूमते घूमते पूरा जलेबी बन रहा है. ठीक है, अब यहाँ से अब हम लेके चले अगर, तो ये सूरज है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का भी चक्कर कौन लगा रहा है? ये चंदा मामा, ये चंदा मामा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं. समझ आया? पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूरज का. पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहे हैं? मून. समझ गए? अब ये जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं ना, ये होते हैं सैटेलाइट. प्लैनेट ही तो है पृथ्वी भी एक, तो सैटेलाइट कहलाते हैं ये. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. तो मून हमारी सैटेलाइट है, एक तरीके से हमारा सैटेलाइट, हमारी नहीं है, चंदा मामा है. ठीक है, तो मून हमारा सैटेलाइट है. ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो मूव अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स. ऑर्बिट मतलब रास्ता, पाथ उनका. द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वरी करता है, अलग अलग होता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, सूरज से कितना डिस्टेंस है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स. मून जो है वो घूमता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाता है. इट टेक्स लिटिल मोर देन 27 डेज, लगभग 27 दिन से भी ज़्यादा, लगभग थोड़ा सा 27 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है मून को अपना रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाने में पृथ्वी का. ठीक है, 27 दिन से थोड़ा सा वो कह रहे हैं ज़्यादा समय लग जाता है. ईयर विद 366 डेज कॉल्ड अ लीप ईयर, ये हमने पढ़ लिया. इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, क्या प्रभाव क्या पड़ता है इसका, क्या होता है? पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है उससे होता क्या है? देखो, अपने एक्सिस पे घूमती है, उससे दिन रात होते हैं. अब रेवोल्यूशन से क्या होता है? मौसम बदलते हैं. पढ़ लेते हैं इसको भी. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड मतलब झुकी हुई है ना पृथ्वी अपने एक्सिस पर, उसकी बात करें, अराउंड द सन कॉज करते हैं. कॉजेज मीन्स क्या होता है इनका, इनसे क्या होगा? सीजन्स चेंज होंगे, कारण बनेगा ये सीजन चेंज होने का. व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेस करता है सन को, भाई एक पार्ट जो है वो सन को फेस करेगा. द अदर पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन, तो दूसरा पार्ट है वो अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस करेगा समर को. अब देखो, अर्थ मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो समझ लो. ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये क्या है? साउथन हेमिस्फीयर है. अब घूमते घूमते ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये सूरज के सामने है, समझो. एक सेकेंड, मेरा तो सूरज ही खो गया, रुको. यहाँ पर ये सूरज की रोशनी पड़ गई, थोड़ा सूरज ऊपर बनाना था पर वो नीचे आ जाएगा. अब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ेगी अगर, तो यहाँ दिन होगा. जब ये घूमेंगे तो ये वाला पार्ट जो है कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा. तो यहाँ जो सूरज के सामने वहाँ दिन हो रहा है, उस पाल धरती के आधे भाग पे एक्सपीरियंस कर रहा है वो समर भी. ठीक है, समर, यहाँ सीजन की बात चल रही है, सॉरी दिन की बात नहीं चल रही, सीजन की बात चल रही है. ठीक है, तो यहाँ गर्मियों का सीजन होगा, जो सूरज के सामने हेमिस्फीयर रहेगा वहाँ पे गर्मियाँ रहेंगी. वाइल जो अदर पार्ट है, जैसे
एक हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो दूसरा हेमिस्फीयर में क्या होगा उस समय, सर्दियाँ पड़ रही होंगी। फोर मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, चार मेन सीजन है, इनके नाम याद रखना। व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है आ गया ना धरती पर, दो हेमिस्फीयर, ये रहा नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर। जब इस वाले नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर का टाइम होता है जून में, तो साउथन हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग, विंटर, सर्दियाँ चल रही होंगी, यहाँ पे वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। और यहाँ पर भी देख लो सन, ये देखो हेमिस्फीयर की तस्वीरें भी दिखा रखी हैं, स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर है तो उसका ऑपोजिट क्या चल रहा होगा, तो ये जो है चित्र आप अपने आप देखिएगा, बात मैंने आपको समझा दी है। अब ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, चलो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कौन कौन से, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन से क्या होता है, दिन रात होते हैं, रेवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कहाँ कैसे होती है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं, डायरेक्शन ध्यान रखना, रोटेशन बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अर्थ टेक करती है मतलब लेती है 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, 24 घंटे में एक रोटेशन यानी अपने एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे लेती है। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूरज का चक्कर काटने में 365 दिन प्लस चौथाई दिन लगता है, इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या होता है ऑफ द रेवोल्यूशन इज दैट कॉजेज अ सीजन, इससे सीजन्स बदलते हैं, इससे मौसम बदलते हैं। अ ईयर विच विद 366 डेज उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। आई होप अच्छे से सारा चैप्टर आपको समझ आ गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताओ अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम। आई लव इट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जो मुझे पता चलता है यहाँ से दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, बाहर के बच्चे भी जो हैं वो सब लगे हुए हैं, हमारे चैनल पर आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।